हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज हम आए हैं अपने घर से 100 लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे अयोध्या। और यहाँ पर जो स्नेक निकला हुआ है, आप नमक भैया लगे आ जाए। मैं भैया जी के घर पे आया हूँ। भैया जी, आपका नाम क्या है? मोहर्रम अली, ग्राम कतरापुर, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, तहसील लेकापुर, थाना कारू। तो मैं पहले स्नेक रेस्क्यू करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे फैजाबाद ग्राम सभा अयोध्या में काफी मेहनत करने के बाद सांप तो नहीं मिला। एक सांप यहाँ पर, दो सांप देखे गए थे, है ना भैया? हाँ, दो सांप। यहाँ पर दो सांप देखे गए थे। ये दो दिन काफी परेशान हुए ये लोग। उसके बाद में एक सांप जो है बगल वाले पत्रे के मकान में चला गया था, और दूसरा जो है ये ढककर के बाकायदा रखे हुए हैं। तो पहला वाला सांप जो यहाँ से निकल गया था वो तो नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ से ले चलूंगा, जंगल में आजाद कर दूंगा। तो दोस्तों, ये भैया जी का नाम आपने सुना ही है, तो एक बार जो है कि आप अपना परिचय फिर से दे दीजिए। मोहर्रम अली ककराई, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, तहसील बीकापुर, थाना। आपके साथ हुआ क्या था, कैसे निकला था, वो सब बताएं। अरे निकला तो उस समय मैं नहीं था, घर वाले थे। निकला था उधर घर के अंदर कोठे से नीचे लटका था। हाँ। उसके बाद फिर दूसरे दिन, उस दिन नहीं निकला, दूसरे दिन बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद फिर इधर से वो एक उधर निकल गया, एक इधर आ गया। तो जो इधर आ गया, तो इसको आप बता रहे कल बंद किए हैं? हाँ, इसको कल नहीं, कल तो इसे इधर उधर था, इसको हम लोग इधर बैठे थे देखे इसको, बस आज इसको अंदर किए। अच्छा, आज इसको बैठे? हाँ, आज इसको 10 बजे सुबह। ये दोनों सांप घर में काफी तबाही मचा करके रख दिए थे, तो ये कभी इस घर में कभी उस घर में ऐसे करके इनको परेशान कर रहे थे। तो एक सांप पकड़ में आ गया था, तो आज सुबह में किसी तरह से YouTube माध्यम से नंबर पाए थे ना? हाँ, YouTube माध्यम से हमारा नंबर ये पाए हैं, फिर फोन किए, मैं यहाँ पर आया हूँ। स्नेक रेस्क्यू अभी कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से डिब्बे में ये बंद करके रखे हुए हैं। और वैसे है तो बहुत रिस्की, लेकिन जुआर बहुत बढ़िया लगाए हैं पीछे जाते हैं। ये जुआर कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। इस डिब्बे को डंडे से बांध करके, तो डंडे के इशारे से इसको बंद किए हैं जी। बनाओ बोलो, एकदम साथ रहते हैं ना। मदद करें भैया, हम आपकी छोरी आज जिसे आसिया इस तरह से यहाँ पर बांध करके और अच्छे से बंद किए हैं। ये स्ट्रैटिकल कोबरा स्नेक है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर किसी भी इंसान को अगर बाइट कर लेता, इंसान की मृत्यु लगभग 40 से 45 मिनट में हो जाएगी। इसका इलाज बस ये कही है, एंटीवेनम सीरम। इसमें नीरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना खतरनाक सांप है, और ये बहुत ही इस समय गुस्से में है, क्योंकि ये आज सुबह से बंद था। तो अभी मैं इसको डिब्बे में पैक करता हूँ। भैया, डिब्बे में छेद होती है? हाँ। तीने छेद बा, तीने छेद के पाए ना, तीने छेद के इधर रख दे। ऐसे करा, थोड़ा छेद और मार दे, कहाँ से कम ढक्कन बंद करा, तो सांस सूजा वाला है। क्यों सूजा जाओ, कौन सूजा ना, तब क्या भी सूजा जाओ, एक के दिन में जिसे दुबरा है जाओ। ये एक दिन में मौत तो हालत की है, दिन भाई खाना नहीं जाए। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जी, काफी लोग कहते हैं ये सांप जो होता है कोबरा स्नेक, इसीलिए आप लोगों ने मारा नहीं है, है ना भैया? कहाँ गए? क्यों नहीं मारे हैं? ये इसलिए नहीं मारे हैं कि सांप जो है अगर हम एक को मार देंगे तो दूसरा बदला लेगा, है ना भैया? लेकिन स्नेक ऐसा कुछ नहीं करता है, ये इनके पास दिमाग नहीं होता है। ये अगर इसको आप दूध पिला देंगे
तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे में मर जाएगा। मर जाएगा, जहर होगा। नहीं पीता है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। ये सांप बदला वगैरह नहीं लेता है। यहाँ पर अच्छा, हमारी किससे बात हुई थी जो कह रही थी कि बीन वीन बजाते हैं? हमको बता रहे थे अगर आप बीन बजाते होंगे तभी पकड़ पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, इसके पास जब कान नहीं है तो सुनेगा कहाँ से। कंपन महसूस कर लेते हैं, जैसे जमीन है यहाँ पर कोई पैर रखता है तो थोड़ा महसूस कर लेते हैं। भैया तो ऐसे बोल रहे कहा सुनवा कर देखा यार, ऐसा सीधा देखा, इधर देखा, इतना से देखा दोनों हम काट। अरे तू सब वही देखा नहीं भाई, ये कहा था मुंडी कैसे पकड़ पकड़ लिया, ध्यान दिया, वीडियो बनाई देखा, पापा ना देखा, ध्यान दिया देखा। इस तरह से लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ने का प्रयास बहुत कम करते हैं। सही है, क्योंकि अपने पास अगर व्यवस्था है, ठीक है, तो व्यवस्था पहले यूज करो। सही है, रिस्क बिल्कुल ना उठाओ, क्योंकि ये रिस्की है, जानलेवा है, जरा सी भी चूक हो जाएगी। लेकिन ये रिस्क हमेशा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि समय संजोग हमेशा साथ नहीं देता है। बाइक चलाते हैं हर कोई ये सोचता है हमको कुछ नहीं होगा, बस गए 5 मिनट में आए। जब दुर्घटना हो जाती है तब समझ में आता है कि यार थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ये भी नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सामने वाला मिस्टेक कर दिया, तमाम बातें आती हैं। पैक करने में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है, सेहत बढ़िया से किए है ना? हाँ हाँ सर, बहुत बहुत सांस, बहुत सांस, मरेंगे नहीं। अरे बहुत सांस, ठीक है, बहुत सांस है, ठीक है।